जो कि प्रमुख व्याख्याता है आज, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। राव सर, आप बात जारी रखें। तो मैं ये कह रहा था कि गांधी जी और बाबा साहब अंबेडकर के जो संबंध थे, वो संबंध कैसे थे, ये अगर हमसे हमको मालूम करना है तो हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर और गांधी की जो पहली मीटिंग हुई, उसके बाद गांधी को ये पता चला कि हमें भी कोई विरोध करने वाला है, और गांधी जी हमेशा बदलते थे, अपने सेल्फ क्रिटिसिज्म करते थे, और उसी के जरिए वो हमेशा बदलते थे, अपने विचार बदलते थे, अपनी कृतियां बदलते थे और आगे चलते थे। बाबा साहब और महात्मा गांधी, उनमें से जो पहला झगड़ा हुआ पूना करार के बारे में, वो बहुत दिलचस्प बात है। आज तक मैंने जितने भी गांधी जी के चरित्र पढ़े हैं, बाबा साहब के तो बहुत कम हैं, लेकिन गांधी जी के बारे में जितना भी लिखा गया है और बाबा साहब और गांधी के संबंध में जितना भी लिखा गया है, उससे महसूस होता है कि गांधी विरुद्ध अंबेडकर ऐसा कुछ तो भी था उस जमाने में, लेकिन वैसा तो कोई दिख नहीं रहा, क्योंकि गांधी के जो चरित्र लिखे थे वो अंग्रेजी में लिखे थे, और गांधी और बाबा साहब के जो संबंध है वो पूरे के पूरे मराठी में है, मराठी भाषा में है, क्योंकि बाबा साहब का जो मुखपत्र था जनता, उसमें बाबा साहब ने जो भी कुछ लिखा है, चाहे वो लंदन से हो, चाहे यहां से हो, जितना भी कुछ लिखा है उस पेपर में, उस वक्त के पेपर में, तो उससे पता चलता है कि गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के संबंध कुछ समय अच्छे भी थे, कुछ समय बुरे भी थे, और हर एक राजनीतिक नेता के तो ऐसा होता ही है, कभी संवाद होता है, कभी विसंवाद होता है। बाबा साहब अंबेडकर को जो चाहिए था, पहली बार उन्होंने कहा था जब साइमन हिंदुस्तान आए, और साइमन को जब उन्होंने रिपोर्ट दिया तो उसमें उन्होंने लिखा है कि हम चाहते हैं कि हमें एडल्ट सफरेज यानी कि प्रौढ़ मताधिकार और टेरिटोरियल मतदार संघ, प्रादेशिक मतदार संघ और हमारे लिए रिजर्वेशन, बस ये तीन ही बातें वो कहते थे। तो साइमन ने उनसे पूछा कि भाई अगर ये प्रौढ़ मताधिकार का जो बात आप कर रहे हैं, वो अगर कांग्रेस ने नहीं उसको मान्यता दी तो क्या होगा? तो बाबा साहब बोले कि अगर वो नहीं होगा तो मैं स्वतंत्र मतदार संघ मांगूंगा, सेपरेट इलेक्टोरेट मांगूंगा। सेपरेट इलेक्टोरेट भारत के कोई भी जमात को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो प्रजातंत्र के खिलाफ है, और उसका जो कारण मीमांसा है वो बाबा साहब ने साइमन कमीशन को दिए हुए रिपोर्ट में है। उन्होंने 6 कारण बताए हैं कि ये कितनी बुरी बात है कि कोई समाज को स्वतंत्र मतदार संघ देना। तो मैं स्वतंत्र मतदार संघ के बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई तो पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो गांधी जी नहीं थे, वो ओपनिंग सेशन में ही बाबा साहब अंबेडकर ने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी पूरी के पूरी का पूरी भूमिका रखी, और उसने कहा कि हमें क्या चाहिए, भारत के अस्पृश्यों को क्या चाहिए, कौन से राजकीय अधिकार चाहिए। तो उन्होंने यही बातें दोहराई कि हमें प्रौढ़ मताधिकार चाहिए,
हमें प्रादेशिक मतदार संघ चाहिए और उसमें हमें रिजर्वेशन चाहिए, उसमें हमें राखी जागा चाहिए। लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी और अरविंद का करार हो गया, तब गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि बनके सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वही बात शुरू हो गई कि अस्पृश्यों के प्रश्नों का हल कैसा निकाला जाए, क्या किया जाए। तो उस वक्त बाबा साहब ने अपनी भूमिका साफ रखी, लेकिन गांधी जी ने उसको विरोध किया। गांधी जी बोले कि मैं अस्पृश्यों को कुछ भी देने वाला नहीं, इसलिए देने वाला नहीं कि अस्पृश्य हिंदू समाज का अभिन्न भाग है, और अगर उनको कुछ अलग सी तरतूद की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की तो गांव गांव में गांव बढ़ जाएगा, हिंदू समाज बढ़ जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि हिंदू समाज बटे। लेकिन बाबा साहब ने उस वक्त फिर अपनी जो मूल भूमिका थी वो मूल भूमिका छोड़ दी और उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा कि मुझे वो चाहिए। जो पहला खलीसा उन्होंने दिया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, तो वो बदला और दूसरा सबमिट किया। फिर जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, तब ये सभी नेते हिंदुस्तान लौटे। गांधी तो स्विट्जरलैंड वगैरह करके आए, वो मुसोलिनी को भी मिले उसी वक्त, और रोमारोला को भी मिले वहां जाके स्विट्जरलैंड में। बाबा साहब अंबेडकर भी अमेरिका जाके वापिस आए और फिर भारत में आए। 1932 साल का जो सितंबर महीना है वो इसलिए बहुत महत्व रखता है, इसलिए कि 17 तारीख को सितंबर के 32 साल के कमलेल अवार्ड डिक्लेयर हो गया। 20 तारीख को गांधी जी ने कहा कि इस अवार्ड में बाबा साहब अंबेडकर को और दलित समाज को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया है, और उनको 78 जगह मिल गई थी। वो देखते हुए गांधी जी ने जाहिर कर दिया कि मैं अनशन करूंगा। वो तो पहले उन्होंने इंग्लैंड में ही जाहिर किया था कि अगर अस्पृश्यों को स्वतंत्र मतदार संघ मिला तो मैं उपोषण करूंगा, और ऐसा उपोषण करूंगा कि मरने तक उपोषण करूंगा। तो फिर सब गांधी जी ने जाहिर कर दिया, और 20 सितंबर 1932 को गांधी अनशन पर बैठे। तो भारत के सभी जितने नेताओं थे वो बंबई में इकट्ठे हुए, और इसको कैसा सुलझाना है इसके बारे में सोचने लगे। तो अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था न गांधी ने पैदा की थी न बाबा साहब अंबेडकर ने की थी। ये जाति की बात, अस्पृश्यता की बात, वर्ण व्यवस्था की बात तो इतिहास से आई हुई है, तो इतिहास ने दी हुई विरासत है हिंदुस्तान के लोगों को, जो अभी भुगतनी पड़ रही है आज तक भी हिंदुस्तान के लोगों को। तो ऐसे समय में सब लोग इकट्ठे हुए और पंडित मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई बम्बे में, और सभी लोग गांधी को मिलने के लिए येरवडा जेल पहुंचे। तो गांधी जी ने कहा कि भाई बाबा साहब को पूछिए कि क्या करने चाहिए, उनका क्या सुझाव है इसके बारे में, क्योंकि गांधी जी को यह पता था कि अंबेडकर को क्या चाहिए। और मैं अगर एक बात आपको कहूं तो ये पूना करार का पूरा स्क्रिप्ट जो है, ये कथा का स्क्रिप्ट जो है, वो तो ब्रिटेन में ही तय हुआ था, क्योंकि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के वक्त बाबा साहब और गांधी की दो
मीटिंग्स हुई थी। एक मीटिंग जो मैसूर के पंत प्रधान थे उनके मध्यस्थी से हुई थी उस वक्त, और दूसरी जो मीटिंग हुई थी वो दूसरी मीटिंग गांधी जी के जो पुत्र थे देवदास, उन्होंने बाबा साहब को कहा था कि गांधी जी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो जब दोनों की मीटिंग चल रही थी तब दोनों एक दूसरे को आजमा रहे थे कि उसके दिल में क्या है, और बाबा साहब भी सोचते थे कि उनके दिल में क्या है, और अंबेडकर भी सोचते थे कि गांधी के दिल में क्या है, और गांधी भी सोचते थे कि बाबा साहब के दिल में क्या है। और गांधी को ये पता था कि अंबेडकर इस बात को स्वीकार करेंगे कि अगर उनको प्रौढ़ मताधिकार दिया जाए, अगर उनको टेरिटोरियल मतदार संघ दिया जाए और अगर उनको आरक्षण दिया जाए तो ये जो समस्या है वो हल हो सकती है, लेकिन गांधी ने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। बाबा साहब ने जो खत उधर से लिखा है जनता के लिए गांधी और बाबा साहब के मीटिंग के बारे में, तो उसने एक खत में लिखा है कि गांधी बहुत बदल चुके हैं, इतने बदल चुके हैं कि अभी गांधी हम जो कहते हैं वो मान जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। और बाबा साहब ने यह भी लिखा कि आखिरी मीटिंग जो हुई थी उनकी अपनी जो कवयित्री थी उनके घर में, तो उधर सरोजिनी नायडू के घर में, तो जब बाबा साहब उठे 11 बजे रात को तब गांधी जी ने कहा कि सब कुछ आपके मन जैसा होगा। तो ये बात बाबा साहब को सुनने में नहीं आई, तो बाबा साहब ने और पूछा क्या, तो सरोजिनी नायडू ने उनको हाथ से कहा कि आप चुप बैठिए, जो भी कुछ होगा आगे तो आपके मन जैसा होगा, आप जो चाहते हैं वो सभी आपको मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट तो उधर ही लिखा था। गांधी जी जब अनशन पे बैठे 20 तारीख को सितंबर 32 को, तब पता चला कि बाबा साहब तो कुछ नहीं कहते थे। बाबा साहब को जब पूछा गया कि क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि भाई गांधी जी को जाके पूछो कैसा हल होगा इस समस्या का। ये सब लोग उधर गए, पुणे में गए, एरोडा जेल में, और एरोडा जेल में जाने के बाद उन्होंने डिस्कशन किया, तो फिर वापिस आ गए। तो फिर बाबा साहब अंबेडकर ने भी कुछ चीजें उनके सामने रखी, और कुछ चीजें उनके सामने रखने के बाद पता चला कि उन्होंने तय किया कि ये जो कम्युनल अवार्ड है, ये कम्युनल अवार्ड तो बाबा साहब को भी मंजूर नहीं था। क्यों मंजूर नहीं था? उस पे तीन बातें थी जो बाबा साहब ने बाद में कही वरली में, जो उनकी बहुत बड़ी मीटिंग हो गई थी वरली मैदान पे, उधर उन्होंने कही कि ये मुझे मंजूर नहीं था कम्युनल अवार्ड, क्योंकि उसमें सिर्फ 78 या 71 जगह थी अस्पृश्यों के लिए। दूसरी बात, लोकसभा में यानी सेंट्रल लेजिस्लेशन में क्या होगा उसके बारे में उसमें कुछ भी नहीं था, कितना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा उसके बारे में कुछ भी नहीं था, और तीसरी बात ये थी कि पंजाब में क्या होगा इसके बारे में भी कुछ भी नहीं लिखा था। तो बाबा साहब को भी वो मंजूर नहीं था कम्युनल अवार्ड, गांधी को भी मंजूर नहीं था। गांधी को इसलिए मंजूर नहीं था कि उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट है, बाबा साहब को इसलिए मंजूर नहीं था कि सेंट्रल असेंबली में कितनी जगह होगी और पंजाब में कितनी मिलेगी इसके बारे में कुछ भी बातें लिखी नहीं है। तो और सिर्फ 78, ये बात तो बाबा साहब को मंजूर नहीं थी। तो बाबा साहब ने पहले बार 192
सीट की मांग की और कहा कि टेरिटोरियल मतदार संघ और 192 सीट मुझे चाहिए। जब गांधी और बाबा साहब आमने सामने बैठे यरोड़ा जेल में, तब बाबा साहब ने उनसे पूछा कि लेट मी बार्गेन नाउ, अभी मैं तो हिसाब ले लूंगा आपसे, मुझे 192 जगह चाहिए। और ये सार्वमत लेने की जो बात थी वो बात भी उन्होंने कही, ये सभी बातें उनमें हो गई। फिर पता चला कि बाबा साहब ने उसके बाद यही कहा कि जब मैं गांधी के पास गया और गांधी से बातचीत करने लगा तो मुझे पता चला कि गांधी के विचार में और मेरे विचार में बहुत साम्य है। ये लिखा है खत में, लिखा है जो खत जनता में पब्लिश हो गया था वो पूरा का पूरा प्रोसीडिंग जो है वो पूरे के पूरे प्रोसीडिंग में वो लिखा था। और उन्होंने ये भी लिखा था पुनः करार होने के बाद कि महात्मा जी ने मुझे इस बला से बचाया क्योंकि मेरी अवस्था बहुत बुरी हो गई थी उस वक्त, उन्हें करार के वक्त, क्योंकि पूरा देश मेरे खिलाफ था और सभी लोग मुझे पूछते थे। गांधी का अनशन शुरू था तो गांधी ने फिर 148 ये जो जगह थी वो मानने की, फिर बाबा साहब ने भी मानने की और फिर उनको और 3 सीट मिले ओडिशा के, ऐसे 151 सीट पे पुणे करार हुआ। बाबा साहब ने लिखा है कि गांधी ये जो महात्मा है वो जब मैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में था तो मेरे पूरे खिलाफ था, लेकिन वही आदमी जब चर्चा चल रही थी, लेन लेन की चर्चा चल रही थी, तो वो मेरे पीछे खड़ा था और कांग्रेस के विरोध में खड़ा था। तो समझ में नहीं आता कि आदमी है कैसा। और उन्होंने बाबा साहब को यह भी कहा कि मैं आपकी जिंदगी चाहता हूं, आपको मैं मरने नहीं दूंगा। तो गांधी जी ने उनसे पूछा कि मेरा जीना आपके लिए आवश्यक है, तो बाबा साहब ने उनको कहा कि आपका जीना मेरे लिए आवश्यक है। बाबा साहब ने कहा कि गांधी जी आप कांग्रेस छोड़िए और हमारा नेतृत्व कीजिए तो आप हमारा वीर पुरुष हो जाएंगे। तो पुनः करार हो गया। पुनः करार होने के बाद सवाल ऐसा पैदा होता है, अनेक लोगों के दिल में सवाल पैदा होता है। राजमोहन गांधी से जब मैं मिला और उनको कहा कि भाई ये सभी बातें तो बिल्कुल अलग है जो हमको लोग कहते हैं, लीडर्स कहते हैं, तो उससे बिल्कुल विपरीत बातें हैं, इतिहास में लिखी हुई है। तो उन्होंने कहा कि बापू ने जो बात पुणे में मंजूर की थी वो उधर ही क्यों नहीं मंजूर की सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो मैंने हंसते हुए कहा कि बापू इवेंट मैनेजर थे, उनको एक इवेंट करना था, अस्पृश्यता के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान वो जगाना चाहते थे, पूरे हिंदुस्तान के आदमियों के दिल में अस्पृश्यता कितनी बुरी है और जब तक अस्पृश्यता इस देश में रहेगी तब तक हिंदुस्तान को स्वराज नहीं मिलेगा, वो हिंदुस्तान के आदमी के दिल में कैसे बैठेगा, उसके लिए गांधी ने ये इवेंट किया, उपोषण पे बैठे। और फिर दूसरे दिन क्या हो गया, दूसरे दिन पूरे हिंदुस्तान में हलचल मची, पूरे का पूरे देवस्थान जितने भी थे, जितनी भी मंदिरें थी वो खुली हो गई, लोग रास्ते पे आ गए, आक्रोशों को गले मिलने लगे, जितने भी पदगर थे वो अस्पृश्यों के लिए खुले हो गए, जितने भी
कुवैती वो भी अस्पृश्यों के लिए खुली हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो माता थी वो तो बहुत बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थी, लेकिन वो भी रास्ते पे आ गई और उन्होंने भी चमार औरतों के साथ भोजन किया। ये गांधी को अस्पृश्यता के प्रश्न के बारे में, ये एक साइकोलॉजिकल रिवोल्यूशन करना था, साइकोलॉजिकल रिवोल्यूशन करना था, और मेरे ख्याल से गांधी उसमें कामयाब हो गए। गांधी पॉलिटिकली हार तो चुके थे, बाबा साहब जीत तो चुके थे, 78 जगह से बाबा साहब 148 सीट तक आए थे, और उन्होंने पार्लियामेंट में भी, सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी 10% जगह अस्पृश्यों के लिए रखी थी। तो ये सब बातें अगर हम देखेंगे तो गांधी पूना पैक्ट के वक्त उनके पीछे थे, बाबा साहब के पीछे थे। मैं आपसे अगर कहूं कि उस वक्त एक बात हुई थी, ये पूना पैक्ट गांधी विरुद्ध अंबेडकर है ही नहीं, वो तो बाबा साहब ने उसके बारे में जो लिखा है वो आप पढ़िए, बाबा साहब को गौर से पढ़िए, तो तुम्हें पता चलेगा कि बाबा साहब के दिल में गांधी के बारे में क्या ख्याल थे और अंबेडकर के बारे में गांधी के क्या ख्याल थे। जब विदर्भ में अकोला में कुछ लोग आए गांधी जी को मिलने के लिए, वो सब अंबेडकराइट थे, और गांधी जी से झगड़ा करने लगे, तब गांधी जी ने उनको कहा कि भाई यरोड़ा जेल में जबी जबी वल्लभ भाई से मेरी बात होती थी पुणे करार पे, तब मेरे मन चक्षु के सामने भीमराव अंबेडकर थे, वो बहुत बड़ा वीर पुरुष था, लेकिन वीर पुरुष भी कभी कभी चुकता है। मैं भी खुद को वीर पुरुष समझता हूं, लेकिन मैंने भी मेरे आयुष में, मेरी जिंदगी में बहुत गलतियां की थी, और ये बहुत वीर पुरुष है। तो हम अगर सोचेंगे बाबा साहब और गांधी के रिलेशन में, उनके खत पढ़िए, कभी कभी वो लिखते थे डियर गांधी, वो लिखते थे डियर अंबेडकर, वो लिखते थे माय डियर महात्मा, वो लिखते थे माय डियर बीआर अंबेडकर, कभी कभी लिखते थे बाबा साहब डियर महात्मा जी, ऐसा भी लिखते थे। ऐसे भी खत मेरे पास है बाबा साहब के हस्ताक्षर में जो लिखे हैं। फिर उसके एक ताज्जुब की बात है कि जब पुणे करार हो गया, तो पुणे करार होने के बाद एक समिति का गठन हो गया, उसका नाम था पुणे करार स्मारक समिति, और उसी दिन, जिस दिन 26 सितंबर को जो पुनः पैक्ट हुआ था, उसी दिन हर बरस ये दिन बड़े हल्लो, बहुत जोर से, बहुत उत्साह से मनाया जाता था। बम्बई में भी वो 1933 में मनाया गया, नासिक में भी मनाया गया, और नासिक में जब पुणे करार का संस्मरण किया, बहुत बड़ा जुलूस निकाला था, तो एक तरफ गांधी जी का फोटो था, दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर का था, और दादा साहब गायकवाड़ ने उसकी अगुवाई की थी। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि पुणे करार से कोई बिगड़ा नहीं, बात यह थी कि बाद में बाबा साहब अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट ऐसी बात बनाई कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग के लिए उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, और गांधी जी ने भी पॉलिटिकल कुछ बातों के लिए अनशन का इस्तेमाल किया। गांधी जी हमेशा अनशन करते थे। तो इसका मतलब यह है कि गांधी और बाबा साहब अंबेडकर, ये दोनों में
बिल्कुल मतभेद तो थे, वो तो होने ही चाहिए थे। ये दो महापुरुष थे, इसका मतलब ये है कि इतिहास की ये दोनों महान हस्तियां, ये महान घटनाएं भी थी, और उनके मतभेद भी उतने ही महान थे, और उनका एक दूसरे से लगाव भी उनका ही महान था। तो हम ये नहीं भूलेंगे कि गांधी और अंबेडकर में सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा भी था और बहुत कुछ झगड़ा भी था, ये दोनों भी बातें थी, क्योंकि अपने अपनी जगह वो दोनों भी महापुरुष बिल्कुल दिल से अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए वो खड़े थे। बाबा साहब अंबेडकर और गांधी के संबंध में और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो बात है बाबा साहब अंबेडकर के जीवन में दो औरतें ऐसी आई कि जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का पूरा जीवन बदल दिया। वो एक थी म्यूरियल लेस्टर, जिस म्यूरियल लेस्टर के वहां उसके निवास स्थान में गांधी जी ठहरे थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ये म्यूरियल लेस्टर कोई सीधी साधी औरत नहीं थी, वो दुनिया की शांततावादी मूवमेंट की एक बहुत बड़ी लीडर थी। वो गांधी की शिष्या भी नहीं, गांधी के समकक्ष थी, और वो बाबा साहब से भी बहुत प्यार करती थी। जब गांधी और अंबेडकर का झगड़ा शुरू हो गया था लंदन में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो वो बाबा साहब को आके मिली थी, और बाबा साहब ने भी उसका जिक्र किया है कि म्यूरियल लेस्टर मुझे उस समय मिली थी, और वो गांधी से झगड़ती थी उसी वक्त कि आप अंबेडकर को क्यों नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते कि अंबेडकर ऐसे जमात से आए, ऐसे अस्पृश्य वर्ग से आए कि जिनके ऊपर बहुत ही अत्याचार हुए, और जो वो मानते हैं वो तो कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने अपने आत्मचरित्र में लिखा है, एंटरटेनिंग गांधी नाम का उनका जो आत्मचरित्र है उसमें लिखा है कि मैं जब ये डिबेट करती हूँ गांधी और अंबेडकर का, तो मेरी समझ में ये बात आती है कि भविष्य में उसमें कौन खरा उतरेगा, इसके बारे में आज तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन जब पुनः फैक्ट हो गया तब उनको पता चला कि अंबेडकर जीत गए और गांधी जी हारे। तो उसमें राजकारणी जो गांधी थे वो बिल्कुल राजनीति करने वाले जो गांधी थे वो हार गए, लेकिन हिंदुस्तान के मन में एक साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन करने के बाद एक महात्मा वहां विजयी हो गया। तो एक राजनीतिज्ञ हार गया और महात्मा विजयी हो गया। गांधी अंबेडकर के जो रिलेशन थे वे ऐसे ही थे। जब घटना परिषद की बात है, और दूसरी औरत थी राजकुमारी अमृत कौर, जब घटना समिति का गठन हो रहा था तब गांधी और अंबेडकर के बीच में जो मध्यस्थी करने वाली औरत थे, ये दो ही औरत, एक तो म्यूरियल लेस्टर का झगड़ा बहुत गांधी जी से हुआ था, और अंबेडकर के दिल में क्या है वो हर बात अमृत कौर गांधी जी को कम्युनिकेट करती थी। तो ऐसे गांधी और अंबेडकर के रिलेशन थे। बाबा साहब अंबेडकर दूसरी बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैसे गए उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। उसके पीछे म्यूरियल लेस्टर कैसी थी, उसके पीछे राजकुमारी अमृत कौर कैसी थी, उसके पीछे गांधी जी कैसे थे। ड्राफ्ट कमिटी में बाबा साहब गए और दूसरे ही दिन ड्राफ्ट कमिटी के चेयरमैन बने। बाबा साहब को लॉ मिनिस्ट्री मिली, असलियत से तो राजेंद्र बाबू खुद लॉ मिनिस्टर होना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने उनको नकार दिया।
और कहा कि ये जो मिनिस्ट्री है वो भीमराव अंबेडकर को मिलना चाहिए। तो ये सब बातें थी। और रॉड्रिक मैथ्यू नाम का जो एक चरित्रकार है गांधी का, उन्होंने एक ही लफ्ज में इसका इसका वर्णन किया है और उन्होंने लिखा है कि गांधी की लास्ट पॉलिटिकल एक्ट अगर कुछ है तो डॉक्टर अंबेडकर को लॉ मिनिस्टर बनाना, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस गांधी का कुछ भी सुनती नहीं थी। उसी वक्त गांधी हटकर बैठे कि मुझे ये चाहिए, ये होना ही चाहिए। और फिर गांधी का खून होने का जो कारण है वो केवल मूल तत्ववाद नहीं है, उससे और कुछ बहुत भारी चीज है। मेरा जो आने वाला ग्रंथ है अभी, जिसका नाम है महात्मा गांधी, ऐसा महात्मा गांधी नहीं है नाम, गांधी पराभूत राजकारणी और विजयी महात्मा, इसमें ये 650 पेजेस का है। वो हिंदुस्तान की हर एक भाषा में आएगा और अंग्रेजी और हिंदी में भी आएगा। मैंने ये 650 पेज इसलिए लिखे हैं कि आज हिंदुस्तान को, आज पूरे भारत को नहीं कर पूरे विश्व को गांधी और अंबेडकर की जरूरत है। वो अगर साथ आए तो मुझे लगता है कि जितनी भी समस्याएं हैं दुनिया के सामने, मनुष्य जाति के सामने, वो हल हो जाएंगे। तो गांधी और अंबेडकर के बारे में हमने पुनः एक बार सोचना चाहिए। उनके मतभेद तो थे, उनके मतभेद कोई सामान्य नहीं थे, वो बहुत उच्च दर्जा के थे। उसके बारे में हम फिर कभी बोलेंगे और उसके बारे में हम फिर कभी सोचेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद राव साहेब जी। और एक बिल्कुल ही नई बात जो कि सब लोगों के मन में है कि पुनः करार क्या है, तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और महात्मा गांधी एक दूसरे के विरोधक है, इस तरीके से जो बात मन में थी उसको एक पूरे ऐतिहासिक साक्ष्य देते हुए आपने हम सबके सामने एक नया अध्याय खोला है। हम सबको बहुत अपेक्षा है और हम सब लोग जैसे आपकी बाकी ग्रंथ संपदा पढ़कर बड़े हो रहे हैं या कुछ समझ रहे हैं, आज ये ग्रंथ जो आ रहा है उसके लिए आपका अभिनंदन। और इतना काम आपने किया कि आपसे हम सारे शोधार्थी जो है, सारे शोधकर्ता जो है, उन्होंने बहुत कुछ सीखना चाहिए। ये भी सीखना चाहिए कि इतिहास का पुनर्लेखन जो धर्मांधतावादी कर रहे हैं और इतिहास का पुनर्लेखन जो सचमुच सत्य शोधक कर रहे हैं उनमें कितना फर्क है। और आपने सत्य शोध करते हुए उन दो महिलाओं का जिस तरीके का योगदान रहा, जिस तरीके से बापू और बाबा साहेब के संबंध रहे, इसका एक जिक्र किया है।